नमस्कार दोस्तों, पोमिनोटो एरिया 7 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले ऑल न्यू होंडा HR-V के बारे में। जापान की दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी होंडा की HR-V SUV का भारतीय बाजार में काफ़ी लंबे समय से इंतजार हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक होंडा प्रेमियों का इंतजार जल्दी खत्म हो सकता है, क्योंकि होंडा HR-V SUV भारत में जल्दी से लॉन्च की जा सकती है। इससे पहले होंडा ने ग्लोबल मार्केट में अपनी सेकंड जनरेशन होंडा HR-V SUV को लॉन्च कर दिया है। पहले से लंबी और स्लीक लंबे हुड और व्हील बेस के साथ 2023 होंडा HR-V SUV काफी प्रीमियम लुक में देखने को मिलेंगी, और इस SUV को मलेशियाई बाजार में आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया गया है। इस SUV को दक्षिण पूर्व एशियाई बाजारों में उपलब्ध भी कर दिया गया है। हालांकि इंडियन मार्केट में इसे कब लाया जाएगा इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, पर इस SUV को जल्दी से इंडियन मार्केट में लाया जाएगा। कंपनी ने इसे 5 ट्रिम्स में उपलब्ध कराया है, जिसमें 1.5 लीटर S, 1.5 लीटर E और 1.5 लीटर V ट्रिम्स वाले रेगुलर IEC वेरिएंट्स के साथ आती है। साथ ही इसमें 1.5 लीटर E HEV RS हाइब्रिड रेड टॉपिंग में भी पेश किया गया है। इस SUV को काफी आकर्षक लुक के साथ पेश किया गया है। होंडा HR-V ग्लोबली काफी पसंद की जाने वाली SUV है, जो कि नॉर्मल हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वर्जन में उपलब्ध है, और इंडियन मार्केट में सभी कंपनियां अपनी इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड SUV को ला रही है। दोस्तों आपको बता दें कि होंडा भी इसमें पीछे नहीं रहने वाली है, वो भी जल्दी अपनी हाइब्रिड SUV और इलेक्ट्रिक SUV इंडियन मार्केट में पेश करेगी। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में आने वाली इस SUV की सारी रिवील हुई डिटेल्स के बारे में, इसके एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट, प्राइस, इंटीरियर, एक्सटीरियर फीचर्स, इंजन, पावर, सभी के बारे में। तो दोस्तों बने रहे इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों पहले तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, जिससे हमारी ओर से आने वाली सभी ऑटोमोबाइल अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं होंडा HR-V के एक्सटीरियर लुक और डिजाइन के बारे में। 2023 होंडा HR-V अपनी डिजाइन लैंग्वेज के साथ काफी स्पॉटी दिखती है, जिसमें एक बोल्ड नई ग्रिल, लंबी हुड और स्लीक रूफलाइन मिलती है। HR-V पहली पीढ़ी के मॉडल से बड़ी है, जिसमें लंबा व्हील बेस दिया गया है, साथ ही चौड़ा स्टांस दिया गया है। नई ग्रिल के अलावा फ्रंट फेस पर LED हेडलाइट्स काफी स्पॉटी लुक में देखने को मिल जाएगी। साइड प्रोफाइल से बड़े व्हील आर्च आकर्षक लुक में देखने को मिलेंगे, जबकि कार के रियर में एक स्पॉइलर इसे ज्यादा डायनामिक लुक देता है। ये रूप को कॉन्ट्रास्ट बम्पर तक ले जाता है, जिससे एग्जॉस्ट आउटलेट छुप जाता है और नए टेल लाइट्स तक जाता है। ऑल ओवर लुक की बात करें तो होंडा HR-V को काफी स्पोर्टी लुक के साथ पेश किया गया है, जो काफी पावरफुल इंजन परफॉर्मेंस के साथ पेश की जाएगी। और दोस्तों बात करें होंडा HR-V के डायमेंशन की, तो पिछले मॉडल के तुलना में 120mm ज्यादा लंबी, 10mm ज्यादा चौड़ी मिलेगी। इसी के साथ इसकी ऊंचाई 5mm कम कर दी गई है, जबकि इसका व्हील बेस 20mm तक ज्यादा बढ़ाया गया है। ऑल ओवर डायमेंशन की बात करें तो लंबाई में आपको 4.45 मीटर, चौड़ाई में आपको 1.78 मीटर और ऊंचाई में आपको 1.60 मीटर मिल जाएगी, जबकि इसका व्हील बेस 2.63 मीटर का दिया गया है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं होंडा HR-V के इंटीरियर की। होंडा HR-V के इंटीरियर की बात करें तो इसमें आपको काफी सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। इसमें आपको स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, होंडा कनेक्ट डिस्प्ले, पेनारोमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग, ऑटोमेटिक AC और 10.25 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो से लेस होगा। साथ ही फ्री पावर टेलगेट दिया जाएगा। इसके अलावा इस SUV में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, रियर पार्किंग सेंसर और रियर पार्किंग कैमरा जैसे शानदार फीचर्स दिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं होंडा HR-V में मिलने वाले इंजन की। होंडा HR-V हाइब्रिड में कंपनी ने 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन और 2 इलेक्ट्रिक मोटर के साथ 2 लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया है। यह इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर एक साथ 109 PS का पावर जनरेट करते हैं। यह इंटीग्रेटेड इंजन मल्टी मोड ड्राइविंग टेक्नोलॉजी से लैस है। हाइब्रिड वर्जन के अलावा यह कार नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ भी उपलब्ध है, जिसमें आपको 1.5 लीटर कैपेसिटी वाला नेचुरली इंजन दिया गया है, जो कि 121 BHP की पावर और 145 Nm का टॉर्क जनरेट करके देता है। यह इंजन आपको 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ पेश किया जाएगा। इसी के साथ कंपनी क्लेम करती है कि होंडा HR-V में आपको 26 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिलेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं होंडा HR-V की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में।
दोस्तों इस SUV को 2023 के अंत तक इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। इसके प्राइस की बात करें तो तकरीबन 14 लाख के अराउंड रखी जाएगी। तो दोस्तों क्या यह SUV इंडियन मार्केट में लॉन्च होती है तो आप लेना पसंद करेंगे, मुझे कमेंट सेशन में जरूर बताएगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा जिससे हमारी ओर से आने वाली सभी ऑटोमोबाइल अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों थैंक यू अंत तक देखने के लिए।